नमस्कार। आज मैं आपको दो विश्वविख्यात महिला कलाकार, एक है फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लो और दूसरी है विश्वविख्यात तबला वादिका अनुराधा पाल, दोनों को ही हमने उज्जैन इंदौर में हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया था। फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लो जब 16 वर्ष की थी तो उन्हें यंग मिस इंडिया का खिताब दिया गया था और एक दिन फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा ने पूनम जी को देखा और उन्होंने उनकी जो फिल्म है त्रिशूल वो ऑफर कर दी। उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका पूनम ढिल्लो जी को दी गई और उसमें एक गाना सचिन के साथ था, वो बहुत ही हिट हुआ, गपुची गपुची गम गम, इस तरह से वो गाना हिट हुआ। वहां से उनकी एक जो पहचान बनी, उसके बाद यश चोपड़ा साहब ने ही उनको फिल्म नूरी मुख्य भूमिका की दी और उन्होंने जो मुख्य भूमिका निभाई उसके बाद उनके अभिनय की और सुंदरता की बहुत प्रशंसा हुई और देखते ही देखते उनके पास फिल्मों की लाइनें लग गई और बड़े बड़े स्टारों के साथ उन्होंने फिल्में की और लगभग 100 फिल्मों में अभिनय किया। अभिनय करते करते उन्हें दो चीजें एक साथ होती थी, अभिनय की तो तारीफ होती थी, साथ ही साथ उनकी सुंदरता की भी बहुत लोग तारीफ करते थे, अरे आप तो बहुत ही सुंदर हैं, आप बहुत तो मतलब अभिनय से ज्यादा उनको बार बार सुंदरता की बात, किरदारों के बारे में कम बात करते थे क्योंकि पूनम जी थी भी बहुत सुंदर। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात कर गई कि मैं रंगकर्म से नाटक से भी जुड़ूंगी, तो उन्होंने नाटक की शुरुआत करी। तो एक नाटक परफेक्ट वाइफ, उसमें पूनम जी का दोहरा रोल है, उसमें दोहरी भूमिका में टीना और रीना की भूमिका है। कहने का मतलब ये महिला के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय था कि महिला में कितनी काबिलियत होती है। हमेशा पुरुष क्या करता है कि महिलाओं को घर की ही गृहस्थी और पत्नी समझता है कि घर चलाना उसका काम है, उसके अलावा वो बाहर ज्यादा काम नहीं कर सकती। लेकिन आज के दौर में मानसिकता बदली है, महिलाएं बहुत काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में सफल है महिलाएं। तो इसी किरदार में जो पत्नी की भूमिका थी तो पति पत्नी को कुछ ज्यादा महत्व नहीं देता है, तो वो पत्नी एक तय करती है अब मैं घर तो संभाल ही रही हूं लेकिन अब मैं व्यापार में भी आपको सफल होकर बताऊंगी, और वो दूसरा किरदार करके बाहर अपने व्यापार को जमाती है, सफल होती है और अंत में पति को यह एहसास हो जाता है कि अरे पत्नी में ये इतनी योग्यता होती है जो इसने सिद्ध कर दिए और हम इसकी योग्यता को और क्षमता को पहचान नहीं पाए और वो अपनी गलती मानता है, इस तरह की ये कहानी। बाद में नाटक के अंत में काफी जो श्रोता थे पूनम जी के, जो फिल्मों के दीवाने थे, जो उनकी फिल्में देखते थे, उनकी फैन फॉलोइंग मंच पर इतनी भीड़ हुई आ गए और उनकी फिल्मों का भी जिक्र करने लगे, लेकिन ज्यादातर दर्शक वहां पर नाटक के अभिनय को लेकर उनकी बातचीत कर रहे थे। बहुत सशक्त अभिनय किया है आपने, किरदार दोनों किरदारों को कितने अच्छी तरीके से निभाया है और नाटक में भी आपने एक बड़ा झंडा गाड़ दिया है सफलता का। और बाद में जब मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए मंच पर ही कि आप नाटकों में कैसे आई, फिर उन्होंने बताया कि शुरू शुरू में हमको फिल्मों में डायलॉग्स जो मिलते थे हमें लगता था बहुत लंबे डायलॉग हैं, बड़े बड़े डायलॉग हैं, हम उसमें परेशान हो जाते थे, लेकिन अब नाटक में 90-90 पेजेस होते हैं और हम कर लेते हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ये अंतर आया है और मुझे नाटक करके बड़ी संतुष्टि मिलती है। नाटक में निश्चित रूप से इतना पैसा नहीं है लेकिन यहाँ समर्पण, कला के प्रति समर्पण है, वो भावना है, वो आपको और ऊर्जा देती है और अभिनय के प्रति और आपको लगाव पैदा करती है। तो मैं नाटक करके बहुत संतुष्ट हूँ, आगे फिल्में भी कर रही हूँ, कुछ सीरियल भी किए हैं उन्होंने। इस तरह से इनकी यात्रा और कार्यक्रम नाटक उनका बहुत सफल रहा, बाद में उन्हें हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया इंदौर में। दूसरी हमारी जो कलाकार हैं विश्वविख्यात अनुराधा पाल, तबला वादिका हैं, उन्होंने पहले शास्त्रीय गायन सीख रही थी,
शास्त्रीय संगीत सीख रही थी, लेकिन उनकी लय और वो ताल देखकर कुछ संगीत के हुनरमंदों ने उन्हें कहा कि आपको तबला सीखना चाहिए, तबला बजाना चाहिए। उन सभी की बात मानकर अनुराधा जी ने तबला बजाना शुरू किया और तबला में पूरी दुनिया में आज उनका नाम है। उन्होंने तबले को पेशेवर के रूप में अपनाया, शौक के रूप में नहीं। अनुराधा जी ने महान फनकार उस्ताद अल्लाह रखा साहब और उनके बेटे जाकिर हुसैन उनकी शिष्या हैं, उनसे तबला सीखा और महाराष्ट्र में मुंबई में उन्हें लेडी जाकिर हुसैन के नाम से भी जाना गया है, पहचान उनको वहीं से मिली है। आज भारत में ही नहीं दुनिया में अनुराधा पाल जी का नाम है। अनुराधा पाल जी ने पद्म विभूषण, मतलब बड़े बड़े संगीतकार हैं, पद्म विभूषण पंडित जसराज जी, चौरसिया जी, बिरजू महाराज जी, गिरजा देवी जी, इनके साथ संगीत के समारोह में दुनिया भर में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ इन देशों में संगीत समारोह में इनके साथ प्रस्तुतियाँ दी हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और साथ ही साथ देश दुनिया के कई कार्निवाल हैं और संगीत वाले शो इन्होंने इंडिपेंडेंट रूप से भी देकर पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। कई समारोह में आप सम्मानित भी हुई हैं। जब यहाँ पर इंदौर में प्रस्तुति हुई तो ताल सृष्टि से सजी शाम लोगों ने, संगीत प्रेमियों ने खूब सराहा। फिर कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कहा कि मैंने तबले को नहीं, तबले ने मुझे चुना है, तबले ने मुझे चुना, बहुत बड़ी बात है। और उनका एक ही कहना था कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी मिली थी कि लड़कियां तबला शौक से सीख रही हैं, पेशा, इसको पेशा बनाना चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए और रियाज बहुत करना चाहिए, इसमें धैर्य की जरूरत है। और इन्होंने यहां पर भी जो अपनी प्रस्तुति दी, अपनी खुद की जुगलबंदी, मतलब ये आमतौर पर हम देखते हैं कि दो कलाकार आपस में जुगलबंदी करते हैं, लेकिन अनुराधा पाल खुद की खुद से जुगलबंदी करती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनके अपने दो म्यूजिक बैंड हैं, एक रिचार्ज और एक स्त्री, दोनों ही पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। और आपने संगीत भी दिया है दो फिल्मों में, हमारे MF हुसैन साहब जो पेंटर थे उनकी फिल्म गजगामिनी में आपने संगीत दिया था और एक और फिल्म में संगीत दिया था। इस तरह से अनुराधा पाल का बहुत ही यादगार कार्यक्रम रहा जो मध्य प्रदेश में सराहनीय रहा और यादगार कार्यक्रम है। धन्यवाद। कल मैं आपको बहुमुखी प्रतिभा के धनी पीयूष मिश्रा, जो गीतकार हैं, लेखक हैं, संगीतकार हैं और कलाकार हैं, कई बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया, NHD के भी हैं कलाकार, तो धन्यवाद।